नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपने जो किसान भाई बहन होते हैं वो अपनी कृषि योग्य भूमि को बंधक कैसे चेक कर सकते हो। जैसे बहुत सारे किसान भाई बहन होते हैं जो कृषि के लिए कृषि ऋण लेते हैं, वो गवर्नमेंट बैंक भी हो सकते हैं, प्राइवेट बैंक भी हो सकते हैं, या जो अपने जिला सरकारी बैंक भी हो सकती है, जिससे वो अपने कृषि के लिए लोन लेते हैं। वो बहुत सारे किसान भाई ऐसे भी होते हैं जिन्होंने लोन भी नहीं लिया है और उनकी भूमि पर बंधक होता है। मतलब बंधक मतलब वो अपने जिस भी बैंक से उन्होंने लोन लिया है उनके जमानत तौर पर वहाँ पर गिरवी रखी हुई होती है। तो दोस्तों मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ कि आप अपने मोबाइल के द्वारा किसान भाई चेक कर सकते हो कि आपकी भूमि बंधक है और बंधक है तो किस बैंक से है, ताकि आप पता कर सकते हो कि आपकी भूमि किस बैंक पर के पास गिरवी रखी हुई है, मतलब बंधक है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो का हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए दोस्तों इस वीडियो का हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपना मोबाइल का क्रोम ब्राउज़र खोल लेना है। क्रोम ब्राउज़र खोलने के बाद यहाँ पर आपको सर्च बॉक्स में लिखना है MP Bholek। लिखने के बाद आपको सबसे पहली लिंक यहाँ पर आपको मिलेगी, इस लिंक पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। चलिए दोस्तों मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। दोस्तों ये लिंक आपको नहीं मिलती है तो मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पर आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको फ्री सर्विसेज पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो चलिए दोस्तों क्लिक करते हैं हम फ्री सर्विसेज पर। यहाँ पर आने के बाद आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। आयुक्त भू अभिलेख मध्य प्रदेश, ये गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर नया खसरा खतौनी प्रारूप पर क्लिक करना है, इस पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर आपको भूमि बंधक चेक करने के लिए आपको यहाँ पर सबसे पहले आपको जिला आपका सिलेक्ट करना है, आप MP के किस ज़िले में निवास करते हैं। मैं यहाँ पर खरगोन ज़िले में निवास करता हूँ, तो यहाँ पर खरगोन जिला सिलेक्ट करना है। अब जिला सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर तहसील सिलेक्ट कर लेना है। तहसील सिलेक्ट करना है आप किस तहसील में निवास करते हो, यहाँ पर मैंने तहसील सिलेक्ट कर लिया। तहसील के बाद आपको यहाँ पर गाँव सिलेक्ट करना है, किस ग्राम में आपकी भूमि लगती है। दोस्तों यहाँ पर जैसे कि मैं यहाँ पर अपने ग्राम जिस भी ग्राम में भूमि लगती है मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिए। यहाँ पर आपको आप एक ध्यान के रखने वाली बात है कि यहाँ पर तीन प्रकार से आप अपनी भूमि बंधक को चेक कर सकते हो। पहला भूस्वामी, खसरा संख्या या प्लॉट संख्या। तो दोस्तों आप भूस्वामी से आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपके सामने जो चीज मतलब बहुत सारे आपके जिस भी मतलब जितने भी गांव में किसान भाई होंगे सभी के यहाँ पर आपको नाम लिखाई देगा। पर दोस्तों ये प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाती है और आपके यहाँ पर नाम जो भी किसान भाई का आप नाम ढूंढ रहे हो नाम ढूंढने में बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती है, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, खसरा संख्या पर क्लिक करना है। अब दोस्तों आप पूछोगे कि आप हमें खसरा संख्या कहाँ से मिलेगी। दोस्तों हर एक किसान के पास अपनी भूमि के लिए भूमि की जो भूमि होती है कृषि योग्य भूमि होती है उसकी एक पावती बनी होती है। उस पावती पर आपको यहाँ पर देखना है कि आपका खसरा संख्या कौन सा है। हर एक मतलब किसान के पास ये डायरी होती है जिस पर इसको हम पावती बोलते हैं हमारी निमाड़ी भाषा में। तो उस पावती पर आपको यहाँ पर आपका खसरा संख्या मिल जाएगा, उस खसरा संख्या को आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। जैसे कि यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ, मैंने यहाँ पर 2/3 ए सिलेक्ट कर लिया है। ये सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पर आपको जो कैप्चा दिखाई दे रहा है इस कैप्चा को यहाँ पर आपको टाइप करना है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है 50024, ये सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, विवरण देखे पर क्लिक करना है। मैंने यहाँ पर विवरण देखे पर क्लिक कर दिया। हमें कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर आपको खसरा संख्या दिखाई देगी, जो भी खसरा आपने यहाँ पर सिलेक्ट किया है। यहाँ पर आपको ये दिखने के बाद यहाँ पर क्या करना है, इस खसरा वाले से इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर जो आइस का मतलब जो आँख का निशान दिखाई दे रहा है इस पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर जैसे ही आपको क्लिक करोगे यहाँ पर आपको मैं जूम करके बताता हूँ, यहाँ पर आपको दिखाई देगा यहाँ पर जो भी आपने खसरा संख्या सिलेक्ट करी यहाँ पर खसरा संख्या लिखी हुई आएगी। यहाँ पर वो कितनी ज़मीन है हेक्टेयर में जो उससे यहाँ पर लिखी हुई आएगी। यहाँ पर जैसे देख सकते हो 1.8210 हेक्टेयर भूमि है इनके पास। यहाँ पर इस भूमि के बाद आपको यहाँ पर जिस भी किसान के भाई के नाम पर ये भूमि होगी उसके यहाँ पर आपको नाम दिखाई देगा। और आपको ये चेक करना है कि वो भूमि बंधक है कि नहीं और किस बंधक है तो किस बैंक से बंधक है। तो आपको सबसे आखिरी में आ जाना है, यहाँ पर लिखा हुआ सबसे इस पेज के सबसे इधर राइट कॉर्नर पर आ जाना है। यहाँ पर आपको सभी डिटेल्स यहाँ पर आपको दिखाई देगी। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो यह ज़मीन सिंचित है, खसरा संख्या 2/1 के तहत कुआ से पीवत है, और यहाँ पर आप देख सकते हो बंटवारा स्वीकृत है और आदिम जाति सेवा सरकारी संस्था उमरखली के तहत बंधक है, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा उमरखली के तहत भी दोस्तों बंधक है। आप यहाँ पर देख सकते हो बंधक दिखाई दे रहा है। यदि यहाँ पर देखो तो ऐसा नहीं लिखा हुआ था कि बंधक है कि नहीं तो आपकी जो ज़मीन है बंधक नहीं है, यहाँ पर लिखा हुआ आता है कि बंधक है, तो यहाँ पर आपको उस बैंक का नाम भी लिखाई देगा और किस शाखा में वो बंधक है वो भी आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो दोस्तों ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए,
मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें किसान भाइयों में कि उनकी भूमि बंधक है कि नहीं। दरअसल वो बहुत सारे किसान भाई ऐसे भी होते हैं जिनकी भूमि जिन उन्होंने मतलब कोई से बैंक से ऋण नहीं लिया है तो भी उनके जो कृषि भूमि पर बंधक लिखा हुआ आता है। दोस्तों ऐसे में आपको अपने पटवारी से संपर्क करना पड़ेगा।